अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फातिमा बतूल। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि ग्रामर वो कवायद जवाबित हैं जिनके तहत हम अल्फाज से फ्रेजेस या जुमले बनाने का काम करते हैं। जुमला एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुकम्मल मानी पाया जाता है, तो हम सेंटेंस को डिफाइन करते हैं एज अ कम्प्लीट आइडिया। सो मैं आपसे कहूँ एजुकेशन, नाउ आई एम साइलेंट एंड यू डोंट नो व्हाट आई मेंट बाय एजुकेशन, या मैं किस चीज़ को रिफ़र कर रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो आपको लफ्ज़ मिल गया, ख्याल नहीं मिला। आइडिया आपको तब मिलेगा जब मैं कहूँगी कि एजुकेशन इज़ राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अब आपको मेरी पूरी बात समझ आई होगी बिकॉज आई हैव यूज सेंटेंस विच कन्वेज अ कम्प्लीट आइडिया। तो जुमले जो होते हैं वो कम्प्लीट आइडिया समझाने में मदद देते हैं। अब हमारा मसला ये है कि हम कई सालों से इंटर से, हमने इवन मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, बीएस में, और अब हम सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करते हुए भी हम ग्रामर की किताब को लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामर के कवायद और जवाबित बदल गए, यानी अगर आप मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो टेंस कुछ और थे, और अगर आप अब सीएसएस के लिए पढ़ रहे हैं तो टेंसेस कुछ और हैं। टेंसेस वही हैं। मसला ये है कि ना हमें समझ तब आई थी, ना समझ हमें अब आई है, और हम बार बार उसी किताब के साथ, बार बार उसी किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी किताब के साथ महजमारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बात समझ नहीं आ रही। और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जब आप किताबें लेने लगते हैं सीएसएस की, तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर कौन सी लेनी चाहिए। आई कैन डिस्कस द बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट इन अनदर वीडियो, बट लेट मी गिव यू वन एडवाइस, डोंट रीड इंग्लिश ग्रामर इन उर्दू लैंग्वेज। क्योंकि आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, आप अंग्रेज़ी पर अबूर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर का जार्गन मिलना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप इंग्लिश की ग्रामर को इंग्लिश ज़बान में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम कोई भी ग्रामर की किताब खोलते हैं तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ हमें नज़र आती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो किरदार होते हैं, वो रोल होते हैं जो कोई लफ्ज़ एक जुमले के अंदर अदा करता है। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, अब मैं ड्राइविंग भी करती हूँ, लेकिन अब जब मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, तो क्या आप मुझे जज करेंगे एज अ ड्राइवर, या आप मुझे जज करेंगे एज अ टीचर? आई एम ऑल्सो अ मदर, सो राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो वुड यू जज मी एज अ मदर और एज अ टीचर? यू आर गोइंग टू जज मी एज अ टीचर। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो पार्ट, जो रोल मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो टीचर का है, सो यू विल इवेल्यूएट मी एज अ टीचर। इसी तरह अल्फाज के साथ भी होता है। जैसे एक शख्स एक वक्त में कई किरदार निभा सकता है, वैसे ही अल्फाज एक वक्त में कई पार्ट्स ऑफ स्पीच रख सकते हैं। हाँ, हम जुमला देख कर डिसाइड करेंगे कि इस जुमले के अंदर ये लफ्ज कौन सा किरदार अदा कर रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि हमारे पास है वर्ड बिल्ड, तो बिल्ड नाउन भी हो सकता है, बिल्ड वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि हमने डिक्शनरी खोली, हमारे सामने दोनों ऑप्शन निकले। अब हम जुमला देखकर तायुन करेंगे कि बिल्ड का इस्तेमाल कैसे किया गया है। इस लेक्चर के लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आप इस लेक्चर को नोट कर सकें और आपको जो ग्रामर का जार्गन होता है वो भी समझ आए। सो अ पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड ग्रामेटिकली फंक्शंस विद इन द सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं कि जो लफ्ज हैं वो जुमले के अंदर कौन सा ग्रामेटिकल फंक्शन अदा कर रहे हैं, ठीक है। सो वो फंक्शंस कौन से हैं हमारे पास? यही कि एक लफ्ज है तो हम देखते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा ग्रामेटिकल फंक्शन वो अदा कर रहा है। वन वर्ड कैन परफॉर्म मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो हो सकता है कि हमारे पास एक जुमले के अंदर बिल्डिंग जो है वो नाउन हो, और किसी और जुमले के अंदर बिल्डिंग जो है वो एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ हो। सो जब हम जुमला बदलेंगे, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, तो लफ्ज का इस्तेमाल बदल सकता है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर डिटर्मिनिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। तो किसी भी लफ्ज की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो हमें तभी समझ आती है जब हमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होता है। इस बात को आप तब नोटिस करेंगे जब आपसे कहा जाएगा कि यूज द फॉलोइंग इन टू सेंटेंसेस। तो जब आप किसी चीज को जुमले में किसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर आपने उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया तो फिर आपने उस लफ्ज को चेंज कर दिया है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा।
अब एक कंफ्यूजन ये आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते थे, तो वो मैं जिस जमाने में स्टूडेंट थी मैट्रिक में, मेरी किताब के अंदर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे होते थे। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है। 8 इसलिए है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट ऑफ स्पीच कम हो गया है, फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि हमारे पास ये चौथे नंबर के ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल। आर्टिकल को अब एडजेक्टिव के अंदर शामिल कर दिया गया है, आर्टिकल एक अलहदा से कैटेगरी नहीं रहा। तो हमारे पास अब जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो किरदार हैं, वो रोल है जो कि एक लफ्ज जुमले के अंदर अदा करता है, और हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब ये है कि जुमले में मौजूद कोई भी जुमला इन 8 किरदारों में से कोई एक किरदार अदा कर सकता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। सो हम जब कहते हैं कि किसी शख्स का नाम है, तो शख्स का नाम प्रॉपर नेम भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। आपके सामने मैंने मिसाल लिखी जिना, तो जिना भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम है तो पाकिस्तान भी हो सकता है, कंट्री लव्स भी हो सकता है, थिंग तो फ्लैग हो सकता है, वॉल, क्लॉक, टेबल, चेयर, ये सारे आसान काम हैं। मसला हमें वहां पे होता है जहां पे हम कहते हैं कि नाउन जो है इज द नेम ऑफ एन आइडिया। सो आइडियाज के लिए भी जो आइडिया जो होता है लव्स, वो भी एक नाउन है, और इसमें कई सारी चीजें फॉल करती हैं, जैसे एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, नेशन। सो ये सारे आइडियाज जो हैं ये भी नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हमारे पास एक बहुत छोटी सी चीज है जिसे हम कहते हैं ब्रेन। सो ब्रेन हमारे पास एक थिंग है, और जब हम आइडिया की बात करते हैं तो डेट इज माइंड। तो हम ब्रेन और माइंड दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउन जो है वो किसी भी चीज का नाम है। नाउन के बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जिना ज्वाइन मुस्लिम लीग फॉर ही वांटेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। अब हम बार बार जिना का वर्ड नहीं लगा सकते थे, तो हमने एक दफा जिना का वर्ड लगाया और दूसरी दफा हमने ही का इस्तेमाल किया। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जिना वॉज टॉल एंड लीन। DNA is a complex structure. The brain is an amazing 3-pound organ that controls all functions of the body. अब आप अगर इसमें देखें तो मैंने क्या किया है कि जो adjectives आए हैं उनका color change कर दिया है। तो हमारे पास एक noun है जिना। अब मैं आपको जिना की कोई खूबी बताना चाहती हूँ, तो मैंने क्या कहा, जिना was tall and lean। मैं ये भी कह सकती थी जिना was brilliant। तो हम adjective के साथ अपने noun या pronoun को मॉडिफाई करते हैं। अब जिना की जगह ही भी लिखा हो सकता था कि ही वॉज टॉल, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। सो हम एडजेक्टिव्स लगा के अपने नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। DNA इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो DNA इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो एडजेक्टिव है। और अभी मैंने आपसे कहा था कि पहले जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो 9 थे, अब 8 हैं। 8 इसलिए है क्योंकि आर्टिकल्स को एक अलहदा कैटेगरी में रखने के बजाय एडजेक्टिव्स में रखा गया है। तो अलहदा कैटेगरी पहले क्या था, ए एन और द को अलहदा रखा जाता था, और अब क्या है कि ए एन और द को भी एक स्पेशल केस ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ए को और एन को भी हाईलाइट किया हुआ है, उसका कलर चेंज किया हुआ है, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव्स हैं। द ब्रेन इज एन अमेजिंग 3-pound organ that controls all functions of the body. So आप ये देखें कि आखिर में ये द का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये ऑफ द बॉडी, ये द जो आर्टिकल है ये भी एडजेक्टिव का एक खास केस है। सो हम जब बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नाउन को खाली एक्सप्लेन कर रहे हो, हमें नाउन को एक्सप्लेन करते हुए उसकी खूबियां भी बतानी होती हैं, और ये बहुत कॉमन चीज है, इसके बगैर हम बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी बिलीव इन गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो हमारी इंसानों की जो जुबान है वो इतनी डेवलप इसलिए हो गई है क्योंकि हम अपने एहसासात को, अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान करने का हुनर जानते हैं। तो वो हुनर यही है कि हमारे पास एडजेक्टिव्स भी हैं, हमारे पास एडवर्ब्स भी हैं, हमारे पास बात करने के 100 तरीके हैं, उस लफ्ज़ के लिए कई तरह के सिनोनिम्स हैं। हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिवेलप हो चुकी है।
हमारे पास जो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है वर्ब. अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग. द ब्रेन इज द कमांड सेंटर फॉर द नर्वस सिस्टम. इट इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस. वर्ब हमेशा काम नहीं होता कि हमने काम ही करना है. बाज़ुकात किसी चीज की सिर्फ हालत भी हो सकती है. तो आप देखें कि हमारे पास कई तरह के वर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं. द ब्रेन इज, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है. इज बीइंग वर्ब. इट इंटीग्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस. तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब्स लगे हुए हैं. तो हो सकता है कि इज एम आर अकेले लगे हों. अगर वो अकेले लगे हों तो हम कहते हैं कि ये बीइंग वर्ब है. और अगर उनको वो किसी एक्शन वर्ब के साथ लगे हों तो हम कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी है. और उसके अलावा बाज़ुकात हमारे पास एक्शन वर्ब यानी वर्ब की रेगुलर या इरेगुलर फॉर्म जो होती है वो अकेली भी लगी हो सकती है. तो दैट इज नॉर्मल कि एक्शन वर्ब अकेला लगाओ. एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे लगे हों डैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आप एक और चीज इस स्लाइड में नोट कर सकते हैं कि मैंने नाउन के लिए ब्लू कलर, प्रोनाउन के लिए स्काई ब्लू कलर, एडजेक्टिव के लिए ब्राउन और वर्ब के लिए ग्रीन कलर यूज किया. इसी तरह मैंने एडवर्ब और प्रेपोजिशन के लिए भी डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है. आप जब इन लेक्चर्स को रिवाइंड करेंगे और देखेंगे तो आप इन कलर्स को नोट करें कि मैंने किस चीज को हाईलाइट किया हुआ है. अब इसी वर्ब की एग्जांपल में अगर आप देखें तो पहले मैंने लिखा है द ब्रेन इज द कमांड सेंटर. सो ब्रेन इज अ नाउन. लेकिन अब मैं बार बार ब्रेन ब्रेन नहीं कह सकती. तो मैंने दोबारा ये नहीं कहा कि द ब्रेन इंटीग्रेट्स. मैंने कहा है इट. तो हम नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं जब हम उसी चीज की बात दोबारा कर रहे होते हैं. तो ये हमारी लैंग्वेज में बहुत कॉमन है कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब. ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है बट स्लाइटली डिफरेंट. एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. द बैग इज वेरी केयरफुली पैक्ड. द बैग इज सो हैवी. वी नीड अ ज्योमेट्री सेट अर्जेंटली. ये मैंने तीन जुमले बनाए हैं और एडवर्ब के तीनों तरह के इस्तेमाल किए हैं. हमारे पास सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन. अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस. आप इवन ये प्रेपोजिशन वाला सेक्शन देखें तो इसके अंदर मैंने सारी जो प्रेपोजिशन है वो हाईलाइट की हुई हैं. बिफोर लगा हुआ है, टू फॉर्म अ फ्रेज, इन द सेंटेंस. अब कुछ जगह के ऊपर प्रेपोजिशन जो है वो नाउन से पहले आई है और कुछ जगह के ऊपर प्रेपोजिशन जो है वो इन्फिनिटिव से पहले आई है. तो लिखा हुआ है टू फॉर्म अ फ्रेज. ये इसको कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज क्योंकि टू के बाद इन्फिनिटिव आया. नीचे लिखा है टू मेजर द पैसेज. इसे भी इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. इसके अलावा अगर आप देखें तो बिफोर अ नाउन, इन द सेंटेंस, ऑफ टाइम, विद सैंड, ये सारी की सारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया. तो अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. अगर प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव आ जाए तो हम, और यूजुअली जो इन्फिनिटिव आता है वो टू के बाद ही आता है, उसको हम इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं. प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमें याद करना पड़ता है. आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस. लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस नहीं कर सकते. लेट मी गो बैक टू एडवर्ब जो कि मैं उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी. एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. अब जो मैंने आपको तीनों मिसालें दी हैं वो इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में दी हैं. तो जब हम कहते हैं कि एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है तो ये आपका आखिरी जुमला जो मैंने बनाया है, वी नीड अ ज्योमेट्री सेट अर्जेंटली. तो ये जो ज़रूरत है हमें, नीड, ये कैसे है, अर्जेंटली है. सो ये आपका जो अर्जेंटली है ये मॉडिफाई कर रहा है नीड को. अच्छा, आप दूसरा जुमला देखें, द बैग इज सो हैवी. सो हैवी इज एडजेक्टिव. तो द बैग इज हैवी. अब मैं हैवी को बताना चाह रही हूँ तो मैं कहती हूँ द बैग इज सो हैवी, द बैग इज वेरी हैवी. तो ये जो सो का इस्तेमाल हुआ है ये वो एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. और हमारे पास पहला जुमला था द बैग इज वेरी केयरफुली पैक्ड. तो पैक्ड जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, केयरफुली हमारे पास एडवर्ब है और इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेरी. तो वेरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और केयरफुली जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. सो आपको ये पता है
कि एडवर्ब तीन तरह के काम कर सकता है. एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और एडवर्ब किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. ये तो मैंने आपको एकदम से सारी वो चीज़ बता दी जो कि आप ग्रामर में देखते हैं. अब इनको अलग-अलग डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर मेरी बात समझ आ जाए. हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन. नाउन इज एवरीथिंग. प्लैनेट, अर्थ, यूनिवर्स, वर्ल्ड, मार्स, वीनस, मिल्की वे, स्टार्स, मून, सन, दीज आर ऑल नाउन्स. हम हर चीज़ जिसको जानते हैं उसके लिए एक नाम रख देते हैं तो हमारे पास नाउन आ जाते हैं. नाउन वो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं या हमारे दिमाग में या फिर हमारी फाइव सेंसेस के साथ. यानी अगर तो कोई चीज़ हमारी फाइव सेंसेस में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये कंक्रीट है. और वो चीज़ जो कि हमारी फाइव सेंसेस में नहीं आती उसे हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है या इंटेंजिबल है. अब जब हम कहते हैं कि हमारी सेंसेस में आ गई है तो वो हवा भी हो सकती है, वो खुशबू भी हो सकती है. लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारी सेंसेस में नहीं आती तो वो एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जैसे कि ड्रीम. अ ड्रीम इज समथिंग विच वी सी. सो वो यूज़ द वर्ड कि मैंने ख्वाब देखा, बट दैट डजंट मीन दैट आई हैव सीन. जैसे कि जिसे कि आंखों से देखना कहते हैं, मैंने आंखों से नहीं देखा. क्योंकि अगर ड्रीम एक रियलिटी होता तो मैं दोबारा जाके वही ख्वाब देख सकती थी, बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी दिखा सकती थी कि चलो आज सारे जाके वो वाला ख्वाब देख कर आते हैं. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज ड्रीम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द सेम इज़ ट्रू फॉर गोल, एम्बिशन, पैशन, हेट्रेड, एनवी. सारे जो इमोशंस हैं हम उनको महसूस ज़रूर करते हैं लेकिन उनको हम अपनी फाइव सेंसेस में नहीं लाते. तो हमारी जो इंसान की सारी दुनिया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ही चलती है. सो पहले मैंने आपको कहा, जब अभी हम पहले नाउन की बात कर रहे थे, कि नाउन दो तरह के हैं, कॉमन और प्रॉपर. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम देखते हैं कि ये जो नाम रखा गया है ये वो नाम है जिस पे आईडी कार्ड बनेगा, या ये वो नाम है जो कि एक कैटेगरी है. जैसे कि मेरे लिए कैटेगरी हो सकती है औरत, ठीक है, मेरे लिए कैटेगरी हो सकती है टीचर, स्टूडेंट, लेकिन मेरा प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है फातिमा बतूल. तो मेरा जो नाम है वो हो सकता है कि दुनिया में 1000 और लोगों का भी हो, लेकिन हम ये अस्यूम करते हैं कि नाम जो होता है वो यूनिक होता है. तो एक तो तरीका है नाउन पे की तरफ देखने का कि हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की शक्ल में देखें. दूसरा तरीका ये होता है कि हम नाउन को टेंजिबल और इंटेंजिबल में देखें. टेंजिबल वो नाउन है जो कि फाइव सेंसेस में आते हैं और इंटेंजिबल वो हैं जो कि फाइव सेंसेस में नहीं आते. अब मैंने आपके लिए ये एक डायग्राम निकाली जो कि एक ट्रायंगल की डायग्राम है, आपको समझाने के लिए कि बाज़ुकात हम मैथ्स की कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स की किताब में इंग्लिश नहीं होगी या अंग्रेज़ी के लफ्ज़ नहीं होंगे या नाउन नहीं होगा. सो आप नाउन पढ़ेंगे तो नाउन सिर्फ आपको अंग्रेज़ी की किताब में मिलेगा, ऐसा नहीं है. वो हर उस किताब में होगा जिसमें अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होगा. सम कॉमन शेप्स इन ज्योमेट्री आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल. अब ये शेप्स, ज्योमेट्री, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये सारे नाउन हैं. अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विथ थ्री स्ट्रेट साइड्स एंड थ्री एंगल्स. अ राइट ट्राइंगल हैज अ राइट एंगल. वी आर फेमिलियर विद अल्फाबेट्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, बट इन मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, दे ऑल्सो एक्ट एज सिम्बल्स. जो हमारे पास, आप ये देखें कि कितने सारे नाउन हैं जो कि इन कुछ जुमलों के अंदर इस्तेमाल हो गए. और दूसरी बात ये कि एक ही चीज़ को पुकारने के लिए दो लफ्ज़ भी हो सकते हैं. तो जिसको हम ट्राइंगल कह रहे हैं उसी को हम जिसे हम ट्राइंगल कह रहे हैं उसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कह रहे हैं. उसी के लिए हम पॉलीगॉन का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं. आप एक काम ये कर सकते हैं अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कि आपके सामने जब कोई नया लफ्ज़ आए, कोई नया नाउन आए, तो आप उसका मानी देखें. अब वो हो सकता है कोई इतना ही सिंपल नाउन हो जैसे कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. अब आप डेमोक्रेसी को तो समझा सकते हैं कि ये वोट से आती है. आप एजुकेशन को समझा सकते हैं कि ये स्कूल कॉलेज जाने से आती है. लेकिन आप टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को नहीं समझा सकते क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग हासिल नहीं की और परहैप्स आपने सिर्फ इसका नाम सुना हो. तो अगर आप कोई नया लफ्ज़ सुनते हैं तो फौरी तौर पर कोशिश करें कि उस लफ्ज़ की डेफिनेशन पढ़ लें और उसको अपने पास लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इस लफ्ज़ का मानी क्या था. नाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने जितनी चीज़ें कायनात में देखी हैं और जितनी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उनका एक नाम रखा है.
तो हम नाम से पहचानते हैं कि ये कुर्सी है, ये सोफा है, ये स्टूल है। तो लर्निंग की जो पहली चीज हमें हमारे माँ बाप ने भी सिखाई थी वो थे नाउंस। सो दे यूज टू टेल अस, दे यूज टू टीच अस द नेम ऑफ नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वर अराउंड अस। तो वही काम आपका इंग्लिश में भी है। आपको सिर्फ ये करना है इस लेवल पे आके कि आप नोटिस करें कि जो लव्स आप देख रहे हैं, जिनको जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उनमें कितने नाउंस हैं। बिलीव यू मी दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न इज नाउन। अगर आपको नाउन की समझ आ गई और आपको नाउन लैंग्वेज में नजर आना शुरू हो गए, और सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, आपके एस्से के टॉपिक्स जो हैं, हर टॉपिक किसी नाउन के बारे में होता है। सो डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर में, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी दोनों दो नाउन हैं। सो अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लें कि नाउन्स को आइडेंटिफाई करें, और वो नाउन्स जिनकी आपको समझ बूझ नहीं है उनके मानी देखें और समझ, सिचुएशन है ना। सो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस जो है, दैट्स अ सिचुएशन, क्रिएशन। नाउन के साथ ही हमारे पास सिचुएशन भी आती है। वाटर क्राइसिस इज अ नाउन, क्लाइमेट चेंज इज अ नाउन, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइपिंग, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सारे नाउन हैं। फॉरेन पॉलिसी इज अ नाउन, डिप्लोमेसी इज अ नाउन, इनफॉर्मल इकोनॉमी इज अ नाउन। आपके एस्से का हर सवाल किसी नाउन के बारे में होता है। सो आपको आदत ये डालनी चाहिए कि अगर आप कोई लफ्ज़ ऐसा देखें जो आपने पहले नहीं देखा, तो कोशिश करें कि उसकी डेफिनेशन देखें। अपना एक अलहदा से अपनी एक नोटबुक बनाएं जिसमें आप उन नाउन्स को नोट डाउन करें जिनके मानी आपको नहीं आते। इन दिस वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल्सो अबाउट नाउन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज आई विल डिस्कस कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। थैंक यू सो मच।